एमआई ने पॉइंट टेबल में आरसीबी को किया बेदम। जी हां, बात हम कर रहे हैं डब्ल्यूपीएल 2024 के पॉइंट टेबल की। चर्चा हम करेंगे कि टॉप थ्री में कौन डब्ल्यूपीएल 2024 में जगह बना सकता है, लेकिन आज के मुकाबले में भैया एमआई ने आरसीबी को 7 विकेटों से मात देकर पॉइंट टेबल में बेदम कर दिया है। और जो राह था आरसीबी का वो भटक चुके हैं, जो शुरुआत था, जो मोमेंटम था, वो बिल्कुल ही लॉस हो चुका है। लास्ट 2 मुकाबलों में हार का सामना करने के बाद आरसीबी प्रशंसकों के हाथों फिर से निराशा लगती हुई नजर आ रही है। और पॉइंट टेबल में हम समझने का प्रयास करेंगे कि गुरु ये टॉप थ्री में फिनिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अपने इस वीडियो में देखेंगे कि पूरा डब्ल्यूपीएल 2024 का आज के मुकाबले के बाद क्या सूरत हाल है, मुंबई इंडियंस किस स्थान पर है। वहीं ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आरसीबी का आगे का समीकरण कैसा होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट टेबल पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि गुरु अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य कर लीजिएगा ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं डब्ल्यूपीएल पॉइंट टेबल पर, देख लेते हैं कि क्या पॉइंट टेबल का समीकरण है। ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एमआई पॉइंट टेबल पर इस वक्त राज करता हुआ दिख रहा है, पहले स्थान पर आ गई। और ये जो टीम है वो वेल बैलेंस्ड टीम है। यहाँ पर इनकी कप्तान एक काफ़ी कुशल कप्तान है, हालांकि पिछले 2 मुकाबले वो नहीं खेली, तो एक मुकाबला हार, एक मुकाबले में जीत मिली, लेकिन जितने मुकाबले में खेली हैं दोनों मुकाबले एमआई जीती है। तो कुशल कप्तान के नेतृत्व में जो एमआई का हाल है वो आपको दिख रहा है, एक वेल बैलेंस्ड टीम नजर आती है, कंबाइंड एफर्ट दिखता है। वहां नेट सीवर ब्रंट भी अच्छा खासा खेलती हुई दिखती है, हरमनप्रीत कौर के क्या ही कहने। फिर उसके बाद यास्तिका भाटिया इस साल की खोज बनकर निकली है, 200-170 के स्ट्राइक रेट से पावर प्ले में रन बनाती हुई दिख रही है। हेले मैथ्यूज का बल्ला भी शांत है लेकिन बोलेगा जरूर गुरु। फिर उसके बाद अहमिला कर, उनके क्या कहने, गेंद और बल्ले दोनों से वो रंग दिखाती हुई नजर आ रही है। तो एक वेल बैलेंस्ड टीम और कंबाइंड एफर्ट ये टीम देना जानती है। गेंदबाजी विभाग में भी दम है, सब ने मिसमैल यान वोंग, मतलब एक एक से धुरंधर, साइका इसाक, तो सब एमआई के लिए परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। वो पॉइंट टेबल में नजर आ रहा है, 6 पॉइंट इनके नाम है। बात करें दूसरे स्थान पर तो ये भी एक कुशल कप्तान के अंदर खेल रही है टीम। टीम में उतनी मजबूती नहीं है लेकिन कप्तान में बहुत मजबूती है, बहुत दृढ़ संकल्प नजर आता है। कप्तानी मेगलेनिन से बेहतर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शायद मेंस और वीमेंस टीम कंपेयर कर ले, कोई नहीं करता उनसे बेहतर। 3 मुकाबले 4 पॉइंट पिछले बार की अगर डीसी की टीम पर आप नजर डालेंगे तो चारों पांचों टीमें सबसे कमजोर डीसी थी, लेकिन फाइनल तक का सफर तय की थी सिर्फ और सिर्फ मेगलेनिन की कप्तानी के दम पे। तीसरे नंबर पर यूपी वॉरियर्स है, 4 मुकाबले खेले हैं, 2 में जीत 2 में हार, 0.211 का नेट रन रेट है, 4 पॉइंट इनके हैं। आरसीबी टॉप थ्री से बाहर हो चुकी है, बेदम हो चुकी है, हाल बेहाल हो चुका है, रास्ता ये भटक चुके हैं, राह अपना खो चुके हैं। क्योंकि जो शुरुआत डब्ल्यूपीएल में आरसीबी ने किया था 2 मुकाबलों में दोनों में जीत करके, तो आरसीबी प्रशंसकों के को लगा कि शायद इस बार डब्ल्यूपीएल 2024 में ई साल कप नाम दे हो सकता है, लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। 2 मुकाबले हार चुके हैं और इस मुकाबले की बात करें तो पूरी तरीके से मुंबई इनके ऊपर हावी थी। पहले गेंदबाजी में मुंबई के गेंदबाजों ने सिकंजा कसे रखा पूरे 20 ओवर में। एलिस पेरी ने जरूर 44 बनाए लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाया। फिर जब बल्लेबाजी की बात आई एमआई की तो वहां पे खुलकर बल्लेबाजी हुई, कोई भी गेंदबाज कुछ नहीं कर पाया, और मंधाना की कप्तानी भी क्वेश्चनेबल है। तो फिर ये टॉप थ्री में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि 4 मुकाबले 4 पॉइंट नेट रन रेट इनका देखिए निगेटिव में आ चुका है। ये नेट रन रेट पे दिलचस्प होने वाला नेट रन रेट, क्योंकि टॉप थ्री में फिनिश करना है, यूपी और आरसीबी के बीच कांटे का टक्कर होने वाला है, नेट रन रेट इनको सुदृढ़ करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर हारेंगे तो फिर भैया चीजें कठिन हो जाएंगी। गुजरात की बात करें, 3 मुकाबले में 3 पॉइंट 3 हार है, 0.1 भी नहीं है, खाता नहीं खुला है, तो गुजरात पूरी तरीके से समीकरण से बाहर है। और टीम भी आपको देख कर लग जाएगा कि गुजरात नहीं पहुंचने वाली, न कुशल कप्तान है, न कप्तान का फॉर्म है, ना गार्डनर चलती हुई दिख रही है, और जो खिलाड़ी हैं उनके मिडिल ऑर्डर में वो लॉरा उलवाट, क्या T20 क्रिकेट लॉरा उलवाट खेलेंगे। फिर बात करें लिचफील्ड, वो T20 क्रिकेट की बैट्समैन नहीं है, लगाएंगे चौके छक्के बीच बीच में, लेकिन वो जो उनका स्ट्राइक रेट रहेगा वो 120 से 130, तो उससे कुछ असर नहीं करने पड़ने वाला है। गार्डनर के ऊपर डिपेंडेंट है ये टीम, लेकिन गार्डनर का बल्ला नहीं बोल रहा है ये, थोड़ा सा गुजरात तो बाहर है, यही आरसीबी यूपी में टक्कर होने वाली है, देखिए साफ सी बात है।
और ये नेट रन रेट बहुत घाटा कर सकती है आरसीबी के लिए, इनको नेट रन रेट सुधारना पड़ेगा, लेकिन अब राह भटक चुके हैं। वहीं एमआई और बीसी लगभग ये टॉप थ्री में फिनिश करेंगे ही करेंगे, उसमें दो राय नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आरसीबी टॉप थ्री में फिनिश कर सकती है या फिर भैया इस बार भी पिछले साल वाला हाल होगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।